आज का सौदा देखते हैं, एक ऐसा ट्रेड जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकता है। डिपी मौजूद है और कल का शेयर बताया गया था वीगार्ड, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है लेकिन कल इंट्रा डे में ही तगड़ी कमाई करा गया, इनफैक्ट टारगेट भी हिट होते हुए नजर आए। लेकिन डिपी आज कौन सा शेयर, आज तो मार्केट पे दबाव देखने को मिल रहा है, अभी भी कोई ट्रेड पॉजिटिव साइड पे कर सकते हैं क्या? थोड़ी दवा वाली कंपनीज पे आप फोकस कर सकते हैं। देखिए आज सुबह से फार्मा स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं मोमेंटम है। आप एक शेयर देखिए कैडिला, ये शेयर काफी अच्छा बेस बना चुका है, ऐसा नहीं कि और शेयर खराब है, लेकिन इस शेयर को ज्यादा फोकस में आप रख सकते हैं। इसकी बड़ी वजह आप पहले देखिए, एक तो आज का मार्केट का मोमेंटम और साथ में इसका इंट्राडे चार्ट, दोनों को पैरेलली रख के देखेंगे तो आपको इस चार्ट के अंदर ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा उत्साह ना ही बहुत ज्यादा कोई दिक्कत दिख रही होगी। आज बहुत आराम से शेयर ट्रेड करते दिख रहे हैं, लेकिन लास्ट हाफ वे यानी कि समय ये थोड़ा सा मजबूत होने की वापस कोशिश कर रहा है। ये एक पहला ट्रिगर था जो इंट्राडे बेसिस पर, क्योंकि हमारी कॉल्स होती है वो इंट्राडे बेसिस पर या फिर एक दिन के लिए होंगी, इसलिए ये देखना बहुत जरूरी था। ये जो लास्ट वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि शेयर 2.5% ऊपर है लेकिन शेयर में अभी भी गुंजाइश है काफी चलने की। पांच वजह देखिए जो क्यों ये शेयर चल सकता है। पहली इंपॉर्टेंट वजह जो इस शेयर की चलने की है, नवंबर वायदा के अंदर ताजा खरीदार, कई शेयर्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ रही है, कईयों के अंदर फ्रेश बाइंग आई है। जिनके अंदर फ्रेश बाइंग आएगी इसका मतलब उनकी वैल्यूएशन को लेकर ज्यादा कंसर्न नहीं दिखते हैं, इसलिए वो शेयर चल सकते हैं। 520 की सबसे एक्टिव कॉल जो इसके अंदर 520 की कॉल है, ये काफी तेजी से इसमें कामकाज हो रहा है, बिल्डअप अच्छा है। अगर आप सीधा फ्यूचर लेने से बचना चाहते हैं तो 520 की कॉल पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ये एक अच्छी कॉल है। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें वो 40% की कैश डिलीवरी है। किसी फार्मा कंपनीज के अंदर 40% का कैश डिलीवरी एवरेज से थोड़ा बेहतर समझा जाता है, 30-35% का एवरेज होता है, तो 40% इसके अंदर है। चौथी इंपॉर्टेंट वजह इसके अंदर ये है कि अब आप देखेंगे इनके पास एक अच्छा बेस बन चुका है फार्मा कंपनीज का नंबर्स की बदौलत, अब इनमें आगे चल के शॉर्ट कवरिंग तेजी से निपट सकती है। अगर बाजार का ये ऑटोमेटिकली हेज भी है तो बाजार से कुछ ज्यादा सरोकार भी नहीं है, ज्यादा चला हुआ भी नहीं है, शॉर्ट कवरिंग का प्रबल दावेदार है, चार्ट अच्छे, ये चार पांच बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमने आज कैडिला को चुना। अब आप इसका टारगेट स्टॉप लॉस भी जानिए कैडिला, क्योंकि इसकी 520 की कॉल, 530 वाली कॉल 520 की ज्यादा एक्टिव है, इसलिए उसी कॉल पे आप ध्यान रख के इसका एक टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 504 का चले। अभी ये शेयर 3% आई थिंक ऊपर हो गया और ये शेयर 3% में थोड़ी देर पहले इसके अंदर मजबूती बनना शुरू हुई है। ध्यान दे, जिस चीज की मैं बात कर रहा था ना वो ये थी, अच्छा बेस, नाउ दिस रिएक्शन, 3% शेयर ऊपर है और ये 1600 का लॉट साइज है, 2-3 रुपए भी मिले तो 3-4 हजार तो ऑलरेडी आपके अकाउंट में आ ही चुके हैं अभी तक। चलिए टेक बाय टेक चार्ज की तो आपने बात करी ली, जिनके उच्चतम स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं। चंदन आप बताएं कैडिला पे व्यू, तेजी और पकड़ेगा कि स्टॉक और इमीडिएटली खरीदारी बढ़ सकती है? जी रचित, देखिए हम कल अपने मंथली रिपोर्ट रिलीज की थी और उसमें कैडिला हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग बेटर है जिसमें हम 550 तक के टारगेट एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए यदि कोई भी चार्ट देखेगा तो यहाँ पे क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला है और उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट 2 दिन पहले हो चुका है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 10% ओपन इंटरेस्ट है, 2 दिन से यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ रही है और वही मैं यदि वीकली चार्ट देखूँ तो एक ट्राइंगल बन रहा है और एक्जैक्टली जो प्रीवियस सपोर्ट था उसको वापस रीटेस्ट करके ये टर्न ले रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेंस है और काफी बेहतरीन काउंटर आपने चुना है, मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए। बाजार में थोड़ी सी प्रेशर है फिर भी ये काउंटर होल्ड कर रहा है और इनफेक्ट निफ्टी फार्मा इंडेक्स में कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिल रही है, तो इस काउंटर में ओवरऑल लॉन्ग पोजिशन बनाने की सलाह है। हमारा मानना है कि 525 और 550 तक के टारगेट इसमें बनने चाहिए। शुभम जी दिल्ली से समय लाइन पे मौजूद है, शुभम जी नमस्कार। हेलो हाँ शुभम जी, मेरी टीम मेरे को बता रही है कि डिविस लैब्स का फ्यूचर आपके लिए, भाव कौन सा खरीदा है क्या इस स्टॉक आपने आज? सर आज ही कराई है ये 1102 पर, इंट्राडे के लिए किया था पर ये चढ़ता स्टॉक एकदम से पकड़ लिया सर। कोई बात नहीं, 15 मैं कह रहा हूँ बहुत तेजी में आपने शुरू में पहले 1 घंटे में सौदा बना लिया होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए एक बार मैं चंदन से क्रॉस चेक कर लूँ क्योंकि उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी तो देखने को मिली है। चंदन बताएं 1102 की खरीद है सर, एक लॉट है पोर्टफोलियो में, होल्ड करना चाहिए, तेजी में है, कल ऐसा तो नहीं होगा कि सुबह खुलेगा तो एकदम से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी? देख रहे काफी ऊपर के प्राइस में ले चुका है और इनफैक्ट देखें ये काउंटर पिछले लगभग 7 वीक कंसोलिडेशन के बाद में इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, पिछले 7 वीक का कंसोलिडेट हुआ और इनफैक्ट पिछले मैं 4 वीक की बात करूं तो ये 1.25% ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा था और उसका एक मेजर क्लासिकल यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, उस ब्रेकआउट की वजह से ये मूवमेंट आया, बट इन्होंने काफी ऊपर में ले चुका है इसके लिए यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा उनको कोई प्रॉफिट रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उनके फेवर में नहीं है और ट्रेडिंग और स्पेशली F&O या फिर ट्रेडिंग साइड जब भी बात करिए यदि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। इनको अब यही सलाह रहेगी 1050 का स्टॉप लॉस लगाइए और यदि यहाँ पे स्टॉक में मोमेंटम बनता है तो शायद एक बार आपके भाव वापस बन सकते हैं।
बहुत शुक्रिया चंदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट से बात करने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए।